नमस्कार, मेरा नाम भक्तोष फोगाट है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हम 2011 से 2020 के बीच जो यूपी टेट में क्वेश्चन पूछे गए स्वर और व्यंजन के, इनके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 2020 से। तो यूपी टेट 2020 में जो सवाल पूछा गया वो था, प्लुप्त स्वर किसे इनमें से कौन सा है। ओम ओम, मतलब ओम लिखा हुआ है और पूछा गया है इसमें कौन सा प्लुप्त स्वर है। प्लुप्त स्वर वो होते हैं जो बिना किसी वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं। उनमें भी अगर हम बात करें प्लुप्त स्वर की, तो प्लुप्त स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके बोलने में एक साधारण स्वर के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा वक्त लगे, यानी जिन ऐसे स्वर जिनके बोलने में हमें 3 गुना समय लगे। तो इनमें अगर हम देखें तो कौन सा है, तो इसका सही आंसर है बी। तो इसमें हमें दिखाई देता है, इसकी पहचान है 3 की तरह कुछ ना कुछ जरूर हमें दिखाई देगा, तो यह है इसका सही आंसर बी। यूपी टेट 2020 में 2 सवाल पूछे गए थे। जो दूसरा सवाल था वो था, हमें पता करना है अशुद्ध कथन, यानी इनमें से कौन सा गलत है। तो अगर बात करें 2 महाप्राण व्यंजन, तो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। तो महाप्राण व्यंजन उन्हें कहते हैं ऐसे व्यंजन जिनके बोलने में हमें ज़्यादा मुंह से हवा निकलती है, यानी जिनके बोलते वक्त हमें मतलब मुंह से ज़्यादा हवा निकलेगी उन्हें हम कहते हैं वायु, ज़्यादा वायु निकलती है महाप्राण। और जिनके बोलने में ऐसे व्यंजन जिनके बोलने में कम वायु निकलती है उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। तो अगर ऐसे व्यंजन हैं जिनके बोलने में ज़्यादा हवा निकल रही है तो उनका उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता, तो हमारा पहला ही गलत है। इसके अलावा हिंदी में गय, इसका उच्चारण बिल्कुल परंपरा से भिन्न होता है। छ जो होता है वो कै और पेट चिरा से इनसे मिलके बनता है, तो ये भी सही है। और विसर्ग जो है कंठ, यानी कंठ से बोला जाता है, तो बिल्कुल सही है। तो गलत था इसका ए, यानी आंसर था हमारा ऑप्शन ए। दो हजार 2018 में ये सवाल पूछा गया, इसने कहा संयुक्त व्यंजन नहीं है, यानी कि नहीं। क्या संयुक्त व्यंजन? संयुक्त व्यंजन होते हैं ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं, और जो खाली नहीं बनते किसी भी व्यंजन से, मतलब 2 व्यंजनों से मिलकर नहीं बनते, उन्हें हम कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन। तो ये पूछ रहा है संयुक्त व्यंजन नहीं है, यानी अंतःस्थ व्यंजन। तो अगर हम चारों को देखें तो कौन सा ऐसा है जो 2 से नहीं मिलकर बना व्यंजन, तो हमारा सही आंसर है ये, तो इसका ऑप्शन ए। दूसरा सवाल जो यूपी टेट 2018 में पूछा गया वो था, उष्म व्यंजन इनमें से कौन सा है, कौन से हैं। तो उष्म, जैसे कि पता चल रहा है उष्म मतलब हीट, तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह से गर्म सांस निकले उन्हें हम कहते हैं उष्म व्यंजन। तो इन्हें अगर हम देखें, सारे व्यंजनों का अगर हम उच्चारण करें, तो ऐसे कौन से व्यंजन हैं जिन्हें बोलते वक्त मुंह से गर्म हवा निकल रही है, तो हम देखेंगे उसका आंसर है हमारा ए, ऑप्शन ए। तो 2018 में भी 2020 की तरह 2 सवाल पूछे गए हैं, तो इस बार भी उम्मीद है 2022 में भी कि 2 सवाल स्वर और व्यंजन से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा यूपी टेट 2016 में जो सवाल पूछा गया वो था, अर्ध स्वर किसे कहते हैं। अर्ध स्वर को ऐसे मानिए, जब हम इन स्वरों का उच्चारण करते हैं तो इन्हें हम मतलब जीभ मुख के किसी भाग से नहीं लगती, ये होते हैं हमारे अर्ध स्वर, या फिर यानी जिनके इस तरह मानिए कि अगर ए और ई इन्हें अगर हम बुलाएं तो क्या बनता है, व, मतलब ये बनता है ये, और अगर हम ए और ऊ मिला दें तो वो बन जाता है व। तो इस तरह इनसे जो बनते हैं उन्हें हम कहते हैं अर्ध स्वर, तो इसका आंसर था ए। तो अभी तक ये सवाल थे जो 2011 से 2020 के बीच पूछे गए, यानी शुरू में सवाल नहीं पूछे गए। 2016 में 1 सवाल पूछा गया था, लेकिन 2018 और 2020 में 2 सवाल इनसे पूछे गए हैं, तो इस बार में उम्मीद है 2 सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और आज की वीडियो में इतना ही, कल अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।